long cherished dream of Dyungbra people fulfilled as DHSC CM inaugurates Ma Kali Mandap. With the inauguration of Ma Kali Mandap at Dyungbra, a long cherished dream of Dyungbra people is fulfilled with Chief Executive Member of Dimahasa Autonomous Council Sri Debolal Gorlosa as he inaugurated the mandap in presence of huge gatherings on Friday. CEM Gorlosa was accompanied by Executive Member Biswajit Daulagufu, BJP Secretary Dhriti Thausan, General Secretary Rupali Langthasa, Joyshoraj Gorlosa and others. Dyungbra in Dimahasao is a place where Kali Puja is organized in a big way and is also considered as one of the best puja in Assam, with lakhs of people's gathering. Dyungbra people expressed their gratefulness towards Dimahasa Autonomous Council and CEM Debolal Gorlosa for the extension support towards Dyungbra. तो आज का जो आप लोग न्यूज़ लाइव की तरफ से आया है, इसलिए बहुत बहुत मेरा तरफ से धन्यवाद। हम लोग दिमाशा भी परम्परा से हम लोग हिंदू है, क्षत्रिय वंश है, इसलिए आज आगे में बुजुर्गों लोग बोला हम लोग को दयोंगरा में भी एक तो खाली मंदिर हिंदू का हिसाब से जरूरी है बोल के बुजुर्गों लोग उन लोग बना के गया, लेकिन हम लोग बहुत ठोके भाई 1976 से शुरू हुआ था। हाँ, मैं यहाँ में आई गया 1981 में, एक दीदी शर्मा ने बना के दिया, लेकिन मांडव को नहीं। हम लोग बहुत ठुकले से जो मांडव बनाता ना, उस टाइम में हम लोग धान का खैर उठ देखे हम लोग मानता था, उसके पीछे में इधर उधर थोड़ा घर बनाया, लेकिन इतना बड़ा मांडव नहीं मिला। इसलिए हम लोग डोंगरा इलाका का लोग बहुत खुशी का दिन है आज में, डोंगरा का जितना पूजा में आया सब यहाँ पर आश्रय लेने मिलेगा, सहयोग मिला, इसलिए अभी का सीएम को भी हम लोग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मांडव तो ठीक ही बनाया, क्योंकि हम लोग हिंदू का लिए, इंसान का लिए घर बहुत जरूरी है, और पूजा को दिन में हम लोग यहाँ में कोई किसी का बीमार होता है, बीमार से रक्षा करने के लिए कोई कोई तो अपना मन का खुशी से खाली माई को हम लोग बोली देगा बोल के फाटा भी लिया था, कभी कभी तो पानी भी गिरता है, उस दिन बहुत ठोकलेप होता था, लेकिन अभी तो वही ठोकलेप से हम लोग को हार किया, कोई ठोकलेप नहीं है, इसलिए बहुत बहुत खुशी है, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग की तरफ से। माने डिंगरा मांडव तो भल लगे से बहुत आगत तो बहुत बार डिमाहासावत आम डिमाहासावत बहुत बार डिमाहासा हेरी सी एमओ हलो मिनिस्टर हलो এতিয়া একো হেৰি কৰিব পৰা নাই, ডিমাহাসাবটো ডেভেলপ কৰিব পৰা নাই, কৰিছোঁ তথাপিও ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। এতিয়া দেৱলাল গৰ্লোচাজি চি এম জি এতিয়া ভালকৈ এতিয়া ডিঙৰা হেৰি মাণ্ডপখন ভালকৈ বনালোঁ, আৰু বেলেগতো বহুতো হেৰি কৰিলোঁ জেগা জেগাত, সেইকাৰণে দেৱলাল গৰ্লোচাজিক চি এম জিক মই মোৰ ফালে বহুত বহুত ধন্যবাদ। সেইকাৰণে হয় দেৱলাল গৰ্লোচাজি এইবাৰো চি এম হৈ থাকক, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এইটোৱেই কম আৰু, ভাল লাগিছে বহুত। CEM Gorlosa in his speech gave special attention to the development of Dyungbra while requesting the public for their support in the name of peace and development. He also warned that people should not be misled by misleading propaganda. यहाँ पे डुंगरा में काली मंदिर का मंडप बनाया है, तो ये बहुत साल पुराना मंदिर था, और यहाँ पे असम में ऐसे सुनने में मिला, सच ना झूठ तो पता नहीं है, लेकिन पूजाई में सबसे ज़्यादा काली पूजा में बोली देता बोलता, और सेकेंड हाइस्ट यहाँ में होता बोलता, तो इसको हम लोग मंडप बनाया, बाउंड्री वॉल ओपन स्टेज हम लोग बनाया, उसको इनोग्रेशन करने आया, और यहाँ का डुंगरा का लोग भी बहुत डिमांड था, बहुत साल का बाद अभी मिला बोल के उन लोग भी बहुत खुशी है, और मैं भी खुशी हूँ अपना समाज के लिए, अपना काली माई मंदिर का सब काम करने के लिए मौका दिया है डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी और हम लोग का सरकार ने, तो इसलिए ऐसा मंदिर हम लोग अलग अलग जगह पे बनाते हैं, और हम आशा करता इस आने वाला हम लोग का काली दुर्गा काली पूजा तो दिवाली वो अच्छा से होगा, और दिवाली का एडवांस में भी डुंगरा का दिमाहासव का मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आप लोग का मीडिया वालों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि अभी माहौल ऐसा है कि इलेक्शन नज़दीक हो गया है, इसलिए एक दो पॉलिटिकल बात भी बोलने लगा है, लेकिन जो हम लोग कोई किसी को खराब नहीं बोला, जो हम लोग का बोलता है उसको हम लोग एक दो चीज़ काउंटर ही दिया है, और मैं आशा हूँ आज का जो माहौल देख के जितना हम लोग का यहाँ पे मंदिर का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है उन लोग को भी हम बुलाया है, मंदिर का प्रॉब्लम क्या है,
मंदिर का इशू क्या है, और मेरा तरफ से कुछ चंदा डोनेशन मैं खुशी से, उन लोग नहीं मांगा, मैं खुशी से एक दो रुपया भी दिया है, और मैं आशा हूँ कि आने वाला दिन में हम लोग का काली माई भी मदद करेगा, सब लोग भी दिमा हसाओ का जनता भी मदद करेगा, और ऐसा माफी हम लोग बड़ा बड़ा मंदिर भी देखने मिलते जाएगा, और अलग अलग हम लोग कल मुरांगसो भी किया, मुरांगसो का मंदिर भी देख के अच्छा लगा दुर्गा माई का, तो ऐसा माफी हम लोग काम करके जाएगा, और ये काम करने के लिए ताकत नंबर वन दिमा हसाओ का जनता, नंबर टू हम लोग का भारतीय जनता पार्टी, और हम लोग का डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने हमको ताकत दिया है, इसलिए हम ऐसा माफी और काम करते जाएंगे। सर यहाँ पे जैसे कुछ कुछ अपोजिशन पार्टी या दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कभी लोकल नॉन लोकल का बात इश्यू उठा रहे हैं, मैंने समझाया बुझाया, क्योंकि दिमाशा लोग देखो लोकल बाहर का पाम वो नहीं है, दिमाशा लोग नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम फर्स्ट जगह राजधानी करके बैठने वाला है, दिमापुर से हुजाई डिपू दिमा हसाओ कचार, लेकिन कांग्रेस का जो छोस कांग्रेस का जो विचार वो लोग 1962 में नागालैंड को दिमापुर में दे दिया, नागालैंड देने में जब दिमापुर को दे दिया दिमाशा हिस्ट्री, उसका बाद में 72 में जब डिस्ट्रिक्ट बना खरबियांगोंग में दिमाशा को थोड़ा थोड़ी छोड़ दिया, हुजाई में छोड़ दिया, कचार में छोड़ दिया, दिमा हसाओ में थोड़ा सा रख दिया, तो इसलिए मैं वो सब समझाया लोकल बाहर का नहीं बोलना है, क्योंकि हम भी दिमा हसाओ का यही दिमाशाई है, भाई यहाँ का लोकल बाहर बोलने से बात का बात, नुबुजित यहाँ का लोकल है, वो भी माईबंग में जाकर शादी करा है, यहाँ का मंडल प्रेसिडेंट है वो भी माईबंग में जाकर शादी करा है, फिर माईबंग का लोग भी यहाँ में शादी करके आके बैठेगा, उसमें इंडियन आदमी है, दिमा हसाओ है, दिमा हसाओ का है, कहाँ लोकल बाहर का होगी, हम भी इलेक्शन ढियांगी में खड़ा हुआ है, जिताया वहाँ का लोग, हम लोकल ना बाहर का है, मोदी जी भी गुजरात का है लेकिन अभी यूपी में इलेक्शन करके जीत के बैठा हुआ है, ये लेकिन काम का ऊपर में है, बाकी बोलने के लिए इशू नहीं है, लोकल बाहर ये सब पूजा में होता ना, ये सब लोकल का सही है क्या का सही है ऐसा नहीं चाहिए कि काम का ऊपर में डिपेंड करना चाहिए, दिमाग साहब पूजा में होता है, ब्रॉयलर मुर्गी से पूजा नहीं होता, लोकल मुर्गी से पूजा होता है, तो ऐसा पूजा में वो होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट में अच्छा काम में वो पॉलिटिक्स में देखना चाहिए, लेकिन छोटा मोटा इशू लगा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी का 100% जीतने वाला सीट है, आगे भी जिताया ईश्वर भी जिताएगा, और जीतने का कारण कोई डोमकी कोई लोकल बाहर का नहीं है, डेवलपमेंट हम लोग डेवलपमेंट किया है, हिम्मत से हम लोग बोल सकता है, हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी दो टू बनाया, हॉस्पिटल बनाया, रोड कितना अच्छा तुम लोग देखा है, और भी रोड अभी दियुंगब्रा तीन आली हफलोंग तीन आली से डायरेक्ट दियुंगब्रा टू लेन बना रहा है, आते वक्त आप लोग जाते वक्त भी देख सकता है, तो वो वाला इशू लेके हम लोग इलेक्शन खेलेगा, और ये सब बोलने के लिए नहीं मिलता, तो इसलिए लोकल बाहर अंदर बाहर ईएम मिला नहीं मिला वो इशू लगा रहा है, और यहाँ का जो पेट्रोल पम्प है उसको हमारा पेट्रोल पम्प बोलता है, हाँ काउंसिल का हमारा ही पेट्रोल पम्प हम ही कराया, लेकिन काउंसिल का फर्स्ट टू पेट्रोल पम्प हम लोग कौन खुल दिया, उमरांगसो एक 3 किलो, हरंगजाओ एक, अपलोंग एक, जुमरा एक, और माईबंग में अभी कर रहा है, और भी 10 टू खुलेगा, और लेकिन ये क्राइटेरिया गवर्नमेंट का लैंड में होना चाहिए, हाँ पेट्रोल पम्प है ये डॉक्यूमेंट्स देखा आप लोग बोलने से नहीं होगा ना, हमको एक जमीन का गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी छीनने वाला डॉक्यूमेंट्स देखना चाहिए ना, आपको पास में हम ओबिजिक लगा आप लोंका का वो साइड लोंका बाजार में जमीन ले लिया बोलने से नहीं होगा ना, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, अगर डॉक्यूमेंट्स हम मेरा कोई गरीब का परिवार का अगर लेता हम रिजेंट दे देगा, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ बोलने से नहीं होगा, ये पेट्रोल पम्प को बोला है कि हमारा पेट्रोल पम्प है, हाँ हम लोग ने किया है, हम लोग ने जो रूल है जो नियम है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में होना है वो सरकारी का पेट्रोल पम्प में एक खुला है तो वही है, इसलिए मेरा कुछ चिंता नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स लेके आओ हम ये मेरा सामान है बोलेगा, लेकिन ये बात क्लियर है लास्ट डिजास्टर में बहुत लोग का घर फूट गया है, हाँ उसका जगह देने के लिए भी हम लोग का दायित्व है, कोई रेलवे जमीन में कोई गवर्नमेंट जमीन में हम देने के लिए काम किया है, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, जैसे कि उमरांगसो में हम लोग मॉडल प्लेस बना के दिया, हफलोंग में भी किसका घर फूट गया है वो मेरा दायित्व है, रेल वाला लोग से हम लोग बातचीत किया आप लोग का दूसरा जगह में लैंड दे देगा हम लोग यहाँ पे अभी घर बना के देगा उसमें मेरा क्या बुरा काम है, हम सीएम है तो हमारा ड्यूटी करना पड़ेगा, उसमें कोई मीडिया वाले लोग पैसा से वा ऑपोजिशन से हमको अच्छा नहीं लगा बाजना है बजा दो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दिमाग हंसाओ का जनता का दिल में बीजेपी को ही सरकार बनाएगा हम लोग ही जॉय होगा वही है मेरा और कुछ थैंक यू, हम लोग का ही आदमी है कच्ची मीठा वाला फल में सब भी ठोड़ने के लिए कोशिश करेगा खाने के लिए, तो उसमें कोई डाउट नहीं है,
टिकट नहीं मिलने से अपना पार्टी का ही काम करेगा, एक ही देगा ना, शायद एग्जिस्टिंग का हो, शायद भूपाली हो, शायद जोशोरास हो, तीन में एक ही मिलेगा, बस दूसरा कोई थर्ड पार्टी मांगने वाला हो वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर का डायरेक्शन है, जिसका सबसे अच्छा फील है चेहरा देख के, मुख देख के, हम लोग टिकट नहीं देंगे। समाज डेवलपमेंट, अपना भाषा, अपना देश को सोचने से बीजेपी का टिकट मिल सकता है, हम ये बात पहले भी बोला है। अगर हम सीएम होते टाइम में उल्टा फलता कुछ डेवलपमेंट नहीं, समाज नहीं, कुछ अपना जो समाज कल्चर को उल्टा फलता करने से बीजेपी टिकट नहीं मिलेगा। हाँ, बहुत जगह में देखा है, क्योंकि बीजेपी हारने दो लेकिन अपना देश को, अपना समाज को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ये बात तो पक्का है। तो वो चीज़ से हम लोग भी डरता है, सब लोग भी डरता है। इसलिए जो लोग बीजेपी में आता है उसको तो पहले सोचना चाहिए, मंदिर में जाने में चप्पल खुलना चाहिए, वो जैसे सोचता ना ऐसा बीजेपी में वो भी सोचना है, तो वो टिकट नहीं मिलेगा। उल्टा पल्टा करेगा, समाज का लोग को अच्छा नहीं पाएगा, लोग से बातचीत नहीं करेगा, लोग को पब्लिक को मारपीट करेगा, वो वाला नहीं होगा, वो वाला बीजेपी में कोई टिकट नहीं मिलेगा। और हम विश्वास है जुमरा का जो लोग बीजेपी का कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं वो लोग टिकट को ही सपोर्ट करेगा, हम विश्वास 100% करेगा। थैंक यू।